स्टूडेंट्स, जैसे हम पढ़ ही रहे थे कंपोजिशन ऑफ रिएजेंट्स, कंपोजिशन ऑफ रिएजेंट्स में आज मैं आपको पढ़ाऊंगी कंपोजिशन ऑफ द रिएजेंट्स ऑफ द ज़ाइडेनस्टेन के, जो ज़ाइडेनस्टेन के रिएजेंट्स है उन्हें आप कैसे बनाएंगे। कल भी मैं आपको बता चुकी थी लास्ट वीडियो में कि यूजुअली जब भी आप लैब्स में काम करते हैं तो आपके पास एक प्रिपेयर्ड किट होता है, तो आप उस प्रिपेयर्ड किट से अपना स्टेनिंग प्रोसीजर करते हैं। जैसे आपने लैब में भी देखा होगा ज़ाइडेन का भी अपना किट था, ग्राम का भी किट था, बट आपको प्रिपरेशन पता होनी चाहिए। हाउ कैन यू प्रिपेयर दीज रिएजेंट्स? एज ऑफ ऑल ऑफ यू माइट हैव बीन नोइंग कि पहला जो हम इसमें यूज़ करते हैं सोल्यूशन, दैट इज़ कार्बल फिशन। कार्बल फिशिंग इज़ द फर्स्ट सोल्यूशन जिसको हम यूज़ करते हैं। मैंने उस दिन भी आपको क्लास में बोला कार्बल फिशिंग पॉइजनस होता है एंड इट्स हाईली करोसिव। सो जब भी आप कार्बल फिशिंग के साथ डील करें, एज आई टोल्ड यू, इट इज़ वेरी पॉइजनस, इट्स पॉइजनस एंड इट्स करोसिव। सो जब भी आप इसके साथ डील करें या इसको हैंडल करें, बहुत प्रिकॉशंस ले लें। प्लीज़ टेक प्रिकॉशंस वाइल यू हैंडल विद द कार्बल फिशिंग बिकॉज इट्स अ पॉइजनस केमिकल एंड इफ़ यू कंज्यूम इट, यू इट कैन बी वेरी हार्मफुल, ये बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकता है। इसीलिए मैंने आपको पहले ही बताया इट इज़ अ पॉइजनस। अब आप इसको कैसे बनाएंगे? इसको बनाने के लिए पहले आप सोल्यूशन ए बनाएंगे। सोल्यूशन ए में क्या करेंगे, यू विल टेक बेसिक फिशिंग, ठीक है, ये पाउडर फॉर्म में होता है, ठीक है स्टूडेंट, इट इज प्रेजेंट इन द पाउडर फॉर्म। आप लेंगे 3 grams, यू विल टेक द बेसिक फिशन 3 grams एंड यू विल टेक अल्कोहल, 95% अल्कोहल आप लेंगे। इसका लेंगे आप 100 ml, ठीक है स्टूडेंट्स। पहले आप वेहिंग मशीन से बेसिक फिशन जो पाउडर फॉर्म में है उसको वे करेंगे, उसका लेंगे 3 grams, उसके बाद अल्कोहल लेंगे वो 100 ml लेंगे, उसके बाद इसको डिसॉल्व करेंगे। ये जो बेसिक फिशन होता है, यू विल डिसॉल्व इट इन अल्कोहल, ये जो बेसिक फिशन है, बेसिक फिशन इज टू बी डिसॉल्व इन अल्कोहल, इसको आप अल्कोहल में डिसॉल्व करिए। अगर आपको लग रहा है कि डिसोल्यूशन प्रॉपर नहीं है, कम्प्लीटली बेसिक फिशन अल्कोहल में डिसॉल्व नहीं हो रहा है, देन यू कैन गिव अ लिटिल हीट, आप हल्के से इसको हीट कर सकते हैं। ज़्यादा हीट भी नहीं करेंगे क्योंकि अल्कोहल जो होता है दैट इज़ फ्लेमेबल, तो उसके लिए आप प्रिकॉशंस लेंगे। अगर हीट से बेहतर होगा अगर आप इसको बॉइलिंग वाटर में रखें, जो आपके पास वो होता है वाटर बाथ, बॉइलिंग वाटर मीन्स वाटर बाथ, आप इसको वाटर बाथ में रखें ताकि ये अच्छे से डिसॉल्व होगा। हीट की वजह से क्या होगा, ये जो तुम्हारा बेसिक फिशिंग पाउडर है इट विल क्लियरली एंड ईजिली बी डिसॉल्व इन द अल्कोहल। मगर ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स कि अल्कोहल एक फ्लेमेबल सोल्यूशन होता है और फ्लेमेबल सोल्यूशन को जो ही आप फ्लेम लगाते हैं इट कैन बी डेंजरस, सो इट्स बेटर टू टेक प्रिकॉशंस। और अगर आप चाहो, अगर आपके पास अवेलेबल है जैसे कि होता है लैब के अंदर, आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स, यू विल प्लेस इट इनसाइड द वाटर बाथ सो दैट दैट वाटर बाथ हीटिंग कैन अलाउ द मिक्सिंग ऑफ बेसिक फिशन विद द अल्कोहल। ओके, सोल्यूशन बी बनाने के लिए आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स, आप लेंगे फिनॉल, फिनॉल लेंगे आप 10 grams, ओके स्टूडेंट्स, एंड यू विल टेक डिस्टिल वाटर अबाउट 200 ml। फिर क्या करेंगे, इस फिनॉल को मिक्स करेंगे, मिक्स फिनॉल विद वाटर, आप इस फिनॉल को मिक्स करेंगे वाटर के साथ, यहाँ पर आप हीट करेंगे, ठीक है, इफ नेसेसरी। अगर आपको लग रहा है कि डिसोल्यूशन नहीं हो रहा है, द फिनॉल इज नॉट बीइंग डिसॉल्व्ड इन द डिस्टिल वाटर, देन यू कैन अप्लाई हीट। यहाँ पर भी मैं आपको कहूँगी इट इज़ अगर नेसेसरी है आप वाटर बाथ पे रखिए, ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि नहीं हो रहा है डिसॉल्व, आप फिर इसको वाटर बाथ में, प्रेफरेबली वाटर बाथ में ही आप सारी मिक्सिंग करिए। मगर कभी होता है इलेक्ट्रिसिटी की अवेलेबिलिटी नहीं होती या बाकी कुछ इश्यूज होते हैं, तो उस केस में आप जनरल हीट अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जब आपके ये सोल्यूशंस बन जाए, सोल्यूशन ए एंड सोल्यूशन बी, उसके बाद आप बनाएंगे फाइनल सोल्यूशन विच यू कॉल एज सोल्यूशन सी, जो कि बेसिक कार्बन फिशन बनेगा। क्या करना है आपको, आप मिक्स करेंगे 10 ml ऑफ सोल्यूशन ए, ठीक है जी स्टूडेंट्स, 10 ml ऑफ सोल्यूशन ए जो आपने बेसिक फिशन और अल्कोहल की बनाई थी, ओके, उसको मिक्स करेंगे विद 90 ml ऑफ सोल्यूशन बी, जो आपने किस चीज़ की बनाई थी, फिनॉल और डिस्टिल वाटर। सोल्यूशन ए किस चीज़ की बनी थी, फिशन एंड अल्कोहल। सोल्यूशन बी किसकी बनी थी, फिनॉल एंड वाटर, ठीक है स्टूडेंट्स। इन दो सोल्यू
सॉल्यूशंस को इसी प्रोपोर्शन में ऐड करेंगे, 10 ml ऑफ द सॉल्यूशन ए एंड 90 ml ऑफ द सॉल्यूशन बी। उसके बाद इस सॉल्यूशन को आप ओवरनाइट रखेंगे और ओवरनाइट रखने के बाद आप इसको फिल्टर करेंगे, बॉटल में स्टोर करेंगे एंड दिस इज द सॉल्यूशन विच यू कॉल्ड एज गार्बल फिशिंग। आई होप इट्स गेटिंग क्लियर। ओके, सेकेंड इंपॉर्टेंट सॉल्यूशन जो आप इसमें यूज कर रहे थे गार्बल फिशिंग में, दैट वॉज स्टूडेंट्स HCl, ठीक है, HCl आपने देखा ही होगा। सेकेंड इंपॉर्टेंट इज HCl और H2SO4। यहां पर क्या करेंगे, आप लेंगे HCl, इट शुड बी इन द कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म होना चाहिए। इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है वो होनी चाहिए 1.19। ओके स्टूडेंट्स, आप लेंगे इसका 3 ml और एब्सोल्यूट अल्कोहल का आप लेंगे 97 ml, ताकि 100 ml बराबर हो जाए। उसके बाद यहाँ पर मैं आपको मैं बोलूँगी HCl जो होता है इट इज़ अ हाईली कोरोसिव गैस, इट इज़ अ फ्लेमेबल गैस, इट इज़ अ फ्यूमिंग गैस। जब भी आप HCl को ले तो माउथ पिपेटिंग कभी ना करें, नेवर गो फॉर माउथ पिपेटिंग वेन एवर यू टेक आउट द HCl। वाई? बिकॉज इट कैन हार्म योर माउथ, इट कैन बर्न योर माउथ। सो हमेशा रबर ट्यूब का इस्तेमाल करें इस एसिड को ट्रांसफर करने के लिए, ठीक है। इन दो को आपस में मिलाइए और आपका सोल्यूशन तैयार। पहले भी मैं आपको बोल चुकी हूँ हम सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल भी करते हैं, H2SO4, जनरली H2SO4 का ही इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर आप क्या करेंगे, आप लेंगे सल्फ्यूरिक एसिड कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में लेंगे, दैट इज टू बी टेकन 25 ml। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद डिस्टिल्ड वाटर इज टू बी टेकन 75 ml। इन दोनों को मिक्स करना है, देन इट प्रिपेयर सल्फ्यूरिक एसिड। ओके, उसके बाद हमारा लास्ट चीज जो आप जार्डन स्टेनिंग में यूज करते हैं, दैट इज मिथिलीन ब्लू विच इज अ काउंटर स्टेन। ठीक है स्टूडेंट, जो कि काउंटर स्टेन होता है, इसको बनाने के लिए आप लेंगे मिथिलीन ब्लू अबाउट 0.3 ग्राम, ठीक है जी। उसके बाद आप लेंगे डिस्टिल वाटर जो आप लेंगे 100 ml, दोनों को मिक्स करेंगे, फिल्टर करेंगे और उसके बाद बॉटल्स के अंदर स्टोर करेंगे। दिस इज ऑल दैट वी नीड टू नो हाउ टू प्रिपेयर द रिएजेंट। ये कल भी मैंने आपको बताया लेबलिंग ऑफ बॉटल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे कल मैंने आपको कहा कितना ml है, कौन सा सोल्यूशन है, उसको आपके पास वो एडहेसिव टेप होते हैं वो बॉटल के ऊपर लगाइए, क्योंकि एडहेसिव टेप उठते नहीं है बार बार। आप जब उसको ऊपर लगाएंगे उसके ऊपर लिख भी पाएंगे, फॉर एग्जाम्पल मिथिलीन ब्लू 100 ml। ओके, वट एवर, जितना भी आप सोल्यूशन बना रहे हैं प्रॉपरली लेबल कीजिए और डेट भी बताइए किस दिन आपने बनाया है, बिकॉज एवरी केमिकल हैज़ इट्स टाइम ऑफ एक्सपायरी। आई होप स्टूडेंट्स इट्स क्लियर। थैंक यू।